बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ योर केमिस्ट्री टीचर हिफ्ज़ा तबस्सुम। चैप्टर 6 हम पढ़ रहे थे और आज हम उसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इंशाल्लाह फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ऑनलाइन क्लासेस का जब से आगाज़ हुआ है तब से लेके अब तक हमने टोटल 5 चैप्टर्स पढ़ ली हैं। और जैसे कि आप सबको पता है कि 15 सितंबर से जो है वो कॉलेजेस ओपन होंगे, तो प्लीज़ आप कोशिश किए करें, अभी भी बहुत टाइम है, अपने इन 5 चैप्टर्स को अच्छी तरह कवर करके लर्न करके आप लोग 15 सितंबर को कॉलेज आइएगा, ताकि आप लोग कॉन्फिडेंट हों कि हमने 5 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। सेकेंडली, इन 5 चैप्टर्स की जब आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी तो टेस्टिंग की जाएगी, देन आपको अगला पढ़ाया जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो हैं वो इनको साथ साथ और अच्छे तरीके से जो हैं वो याद करेंगे, प्लस इनको आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, और सेकेंडली आप इनको अच्छी तरह कवर करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट लेना और कवर करने में फ़र्क होता है। यू हैव टू कवर योर चैप्टर्स अलोंग विद कॉन्सेप्ट्स। पोटाशियम परमैंगनेट, ये कंपाउंड भी जो है वो परमैंगनिक एसिड का साल्ट है, और ये एसिड भी अनस्टेबल होता है और एक्वस फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करता है। अगर इसको हम एक्वस सॉल्यूशन से आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे तो ये अनस्टेबल है और ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब पोटाशियम परमैंगनेट को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? इसको हम पोटाशियम मैग्नाइट K2Mn4 के सॉल्यूशन को एसिडिफाई करके, यानी कि उसको H2SO4 के साथ ट्रीट करके इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। जब हमने पोटाशियम मैग्नाइट K2Mn4 को एसिडिफाई किया H2SO4 के साथ, तो हमारे पास बना पोटाशियम सल्फेट प्लस पोटाशियम परमैंगनेट प्लस MnO2 प्लस वाटर। लार्ज स्केल पे इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? लार्ज स्केल पे इसको हम मिनरल पायरोलुसाइड MnO2 से प्रिपेयर करते हैं। इस मिनरल को हम फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं और उसको हम फ्यूज़ करते हैं अल्कली यानी कि KOH के साथ, एयर या किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। अगर तो एयर प्रेजेंट है तो भी ठीक है, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे तो वो कौन से होंगे? वो KNO3 है या KClO3 है। इस ट्रीटमेंट से हमें मिलता है ग्रीन कलर का पोटाशियम मैग्नाइट यानी कि K2MnO4, और ये होता है फ्यूज स्टेट में। ठीक है, इसको हम वाटर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और इसके सॉल्यूशन को फिर हम फिल्टर करते हैं, और फिल्टर करने के बाद इसको फिर हम पोटाशियम परमैंगनेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इस प्रोसेस से पोटाशियम मैग्नाइट को हमने पोटाशियम परमैंगनेट में जो कन्वर्ट करना है उसके 3 मेथड हैं। हम तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। पहला है हमारे पास स्टेडलर्स प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम पोटाशियम मैग्नाइट K2MnO4 के ग्रीन सॉल्यूशन से क्लोरीन को पास करते हैं। कब तक? जब तक हमें पर्पल कलर का सॉल्यूशन ना मिल जाए, और पर्पल कलर के सॉल्यूशन की फॉर्मेशन ही इस बात की इंडिकेशन है कि हमारे पास पोटाशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 बन रहा है। यहाँ क्या होता है, जो क्लोरीन हम पास करते हैं वो बेसिकली पोटाशियम मैग्नाइट K2MnO4 को ऑक्सीडाइज कर देती है पोटाशियम परमैंगनाइट के अंदर। नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं कि हम ग्रीन कलर के सॉल्यूशन ऑफ K2MnO4 यानी कि पोटाशियम मैग्नाइट के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं। कब तक? जब तक सॉल्यूशन पर्पल ना हो जाए, और ये रिएक्शन आपके सामने है। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में हमारे पास पोटाशियम परमैंगनेट बना, प्लस हमारे पास MnO2 बनी और प्लस 4KHCO3 बनी। तीसरा मेथड है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस में हम मैग्नेट को परमैंगनेट में इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन के जरिए कन्वर्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो हमारे पास मैग्नेट का सॉल्यूशन है K2MnO4, इसके एक्वस सॉल्यूशन को हम डीकम्पोज करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस हो रही होती है तो जो वाटर है वो डीकम्पोज होता है, और कैथोड पे वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है, और एनोड पे वो ऑक्सीजन गैस को लिबरेट करता है। अब जो एनोड पे ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है, ये हम यूज़ करेंगे ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है, ये ऑक्सीजन गैस मैग्नेट को ऑक्सीडाइज करेगी पर मैग्नेट के अंदर, और जबकि कैथोड पे जो हाइड्रोजन गैस निकल रही होती है वो इवॉल्व हो जाती है। ये देखिए, नेसिड ऑक्सीजन ने पोटाशियम मैग्नाइट को ऑक्सीडाइज किया और पोटाशियम पर मैग्नेट बनाया प्लस KOH बनाया। पोटाशियम पर मैग्नेट जो हमें मिल जाता है उसको हम एस्बेस्टोस के ज़रिए फिल्टर करते हैं, कंसनट्रेटेड करते हैं यानी कि उसकी कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं, और फिर उसके हम क्रिस्टल्स बनाते हैं, और KMnO4 के हमारे पास बनते हैं पर्पल रेड कलर के रोम्बिक प्रिज्म शेप के। रोम्बिक प्रिज्म शेप है इनकी, पर्पल इनका पर्पल रेड इनका कलर है। ठीक है, तो क्रिस्टल्स किस तरह के होंगे? पर्पल रेड रोम्बिक प्रिज्म्स के क्रिस्टल्स होंगे हमारे पास। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहले आती है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उसमें हम देखेंगे इनका कलर होता है डार्क पर्पल, और ये लस्ट्रस क्रिस्टल्स हैं, ये लस्ट्रस होते हैं चमकदार क्रिस्टल्स, और ये अगर सॉल्यूशन बनाएं तो ये हमें डीप पिंक कलर का सॉल्यूशन देते हैं। सोलबिलिटी की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस पर इनकी सोलबिलिटी सिर्फ 7% है, लेकिन टेम्परेचर हाई करने से इनकी सोलबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि अगर हम 63
डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करेंगे तो इनकी सोलबिलिटी जो है वो 25% होगी। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और जैसे कि हमने क्रोमेट्स में पढ़ा था सिमिलरली वैसे इनकी ऑक्सीडेशन भी एसिडिक सॉल्यूशन में होती है। स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है परमैंगनेट आयन का और आपने इसको याद करना है। फोर कॉर्नर स्ट्रक्चर है, तीन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, एक के साथ जो है वो सिंगल बॉन्ड है और उसके ऊपर माइनस चार्ज है -1। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। H2S के साथ ये रिएक्शन करता है तो ये H2S को ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फर के अंदर, ठीक है। KMnO4 की पहले हमने इसको एसिडिफाई किया, H2SO4 के साथ हमारे पास बना पोटाशियम सल्फेट, मैगनीज सल्फेट प्लस वाटर और प्लस नेसिड ऑक्सीजन। ये नेसिड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करेगी H2S को एलिमेंटल सल्फर के अंदर, प्लस वाटर बनेगा और ओवरऑल रिएक्शन आपके सामने मौजूद है। FeSO4 के साथ रिएक्शन देखें तो FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर देती है फेरिक सल्फेट के अंदर। ये दोनों रिएक्शन H2S के साथ वाला और फेरस सल्फेट के साथ वाला सिमिलर हैं क्रोमेट्स के जैसे, क्योंकि वो भी एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ हो रहे थे और उनकी ऑक्सीडेशन भी हमने पढ़ा था एसिडिक सॉल्यूशन में होती है। सेम यहाँ पे भी आप देखें ये जो पहले दो रिएक्शन हैं H2S के साथ और फेरस सल्फेट के साथ, इनमें हम H2SO4 यूज़ कर रहे हैं। वो क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीडेशन एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर होनी है तो एसिडिक सॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए हम H2SO4 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसने H2S को ऑक्सीडाइज करके सल्फर बनाया और फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करके फेरिक सल्फेट बनाएगी है। H2SO4 की प्रेजेंस में KMnO4 ने FeSO4 को ऑक्सीडाइज करके पोटाशियम सल्फेट, मैगनीज सल्फेट और फेरिक सल्फेट और प्लस वाटर बनाया। अब अगर इसका हम ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन देखें तो ये उसको भी ऑक्सीडाइज करती है। ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करके ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाती है और चूंकि हो रही है ऑक्सीडेशन तो हम एसिड भी यूज़ करेंगे। एसिड हमने कौन सा यूज़ किया? H2SO4 का। और ऑक्सैलिक एसिड को इसने ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाई, प्लस हमारे पास पोटाशियम सल्फेट और मैगनीज सल्फेट बने। अगर इसका रिएक्शन हम KOH के साथ देखें तो KOH होती है अल्कली, तो अल्कलाइन सॉल्यूशन में जब भी हम KMnO4 को डाल के हीट करेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन गैस इवोल्व होगी। KOH के साथ KMnO4 ने मिलके K2MnO4 पोटाशियम मैगनीट बनाया, प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस इवोल्व हुई। इसके यूजेस की तरफ आ जाएं तो इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। इसको हम एज अ डिसइंफेक्टेंट, इन्फेक्शन को ख़त्म करने वाला, जर्मिसाइड, जर्म्स को किल करने वाला, और उसके अलावा इसको हम मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। पहले है हमारे पास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रॉट आयरन एंड स्टील, एक्सप्लेन द बेसमर्स प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। ये भी आप पढ़ चुके हैं, एज इट इज़ आपकी बुक में मौजूद है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग रीजंस व्हाई डज डैमेज टिन प्लेटेड आयरन गेट रस्टेड क्विकली। ये मैंने परसों आपको भी पढ़ाया जब मैंने आपको ये बताया कि अगर हमारे पास सिंपल रॉ आयरन है और उसके मुकाबले हमारे पास टिन प्लेटेड आयरन है तो टिन प्लेटेड आयरन की रस्टिंग जो है वो जल्दी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग गैल्वेनिक सेल इस्टेब्लिश हो जाता है जिसमें आयरन एनोड बन जाता है और वो ऑक्सीडाइज होके Fe+2 की फॉर्म में आना शुरू हो जाता है, जिससे वो क्रोजन स्टार्ट हो जाती है और ये क्रोजन जो होती है वो रैपिड होती है एज कम्पेयर टू सिंपल रॉ आयरन की क्रोजन के मुकाबले में। नेक्स्ट है हमारे पास अंडर व्हाट कंडीशंस डज एल्यूमिनियम क्रोड। अच्छा, जैसे हमने क्रोजन की कंडीशंस पढ़ी थी कि मोस्ट एयर की प्रेजेंस में क्रोजन हो जाती है या अगर वाटर प्रेजेंट है या अदर गैसेज हैं, तो एल्यूमिनियम का केस ज़रा डिफरेंट होता है। एल्यूमिनियम में क्या होता है कि अगर हम फ्रेशली प्रिपेयर एल्यूमिनियम को मोस्ट एयर में रखेंगे ना तो इसकी सरफेस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स की एक लेयर बन जाती है, ठीक है। वो लेयर जो है वो फर्दर एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करती है क्रोजन से, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट एयर की प्रेजेंस में एल्यूमिनियम क्रोड नहीं होती ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा हम जो है ना वो हाई स्पीड से, यानी कि ये समझ लें कि जेट ऑफ वाटर फॉल करवाते हैं ना एल्यूमिनियम के ऊपर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये क्रोड हो सकती है। हो सकता है कि इसकी जो ऑक्सीडेशन की लेयर है, जो इसके एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स की लेयर है, वो डैमेज हो जाए, या इसको हम बहुत ज़्यादा अल्कलाइन या बहुत ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर रखें तो ये क्रोड हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डज द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजिंग प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। ये भी हम पढ़ चुके हैं गैल्वेनाइजिंग के अंदर। हाउ क्रोमेट आयंस आर कन्वर्टेड इनटू डाइक्रोमेट आयंस। ये इक्विलिब्रियम हमने अभी कल स्टडी किया है कि इन दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम होता है और हम अल्कली या एसिड की अमाउंट डाल के अपनी डिजायर्ड प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। चैप्टर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मैं आपको टेस्ट सेंड करूँगी और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग अपने इस टाइम को बहुत अच्छी तरह से अपने लिए यूज़ कर सकें, ठीक है। इसमें आपका फ़ायदा है, इसमें किसी दूसरे का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इसमें नुकसान है तो सिर्फ आपका नुकसान है, किसी दूसरे का कोई नुकसान नहीं है। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।